हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई वास्तु का उपाय बताते हैं, जिससे आप अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, अपने काम धंधे की जगह पर छोटे छोटे जो वास्तु दोष होते हैं उनको दूर कर सकते हैं, या छोटे छोटे दूसरे उपाय होते हैं, जैसे किसी की नज़र लग जाती है, आपके पैसे में दिक्कत है, कारोबार में कोई दिक्कत आ रही है, या आपका धन रुक जाता है, परिवार में अनबन है। हर एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा घरेलू उपाय आपको बताया जा सके, जिससे कि आप अपने घर पे आने वाली दुविधाओं को, परेशानियों को घर पर ही दूर करके अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकें और भी खुशहाल तरीके से जी सकें। तो हमारी हर वीडियो में एक कोशिश होती है कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जा सके प्रॉब्लम का। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती, उनको तो किस्मत ही ख़राब हो गई है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। किस्मत दोस्तों किसी की ख़राब नहीं होती, बस कुछ समय ख़राब हो जाता है, लेकिन उस समय को बेहतर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, किस्मत खराब कभी मत कहना अपने मुंह से, अपनी किस्मत को कभी मत कोसना। पहला सबसे जरूरी यही उपाय होता है कि अपनी किस्मत को कभी भी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान की जुबान पर कभी ना कभी सरस्वती बैठी होती है जो ज्ञान देती है, जो सच बोलवा देती है। तो इसलिए अपनी जुबान से कभी भी ये मत बोलो कि मेरी किस्मत ख़राब है, ये बोलो कि हाँ जो भी है समय बुरा है लेकिन अच्छा समय जरूर आएगा। दूसरा एक छोटा सी बात रखते हैं, मेन बात पर आते हैं अभी। आपको एक कपूर लेना है, यदि जिस जो भी इंसान ये सोचता है कि उसकी किस्मत ख़राब है तो उसको एक कपूर लेना है। या तो मार्केट में आपको कपूर का तेल मिल जाएगा दोस्तों, कपूर का तेल मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो कपूर का तेल अगर मिल जाए तो और भी बेहतर बात है, लेकिन अगर कपूर मिल जाता है तो भी आप काम चला सकते हैं। कपूर को छोटा सा हिस्सा आप अपने नहाने के पानी में डाल लेंगे दोस्तों, इस प्रकार आप कपूर के पानी कपूर की डली को तोड़कर अपने नहाने के पानी में डाल लेंगे दोस्तों, और आहिस्ता आहिस्ता ये घुल जाएगा इसमें। और अपनी बाल्टी में इस पानी जो मैंने डल्लू लिया है पानी नहाने का, इसको अपनी बाल्टी में, टब में, जिस भी चीज़ में आप यूज़ करते हैं, तो इस पानी से, कपूर के पानी से अगर आप नहाते हैं, कपूर के तेल से मिलाकर यदि आप पानी से नहाते हैं, तो आपकी जो नकारात्मकता बनी हुई है, आपके शरीर की जो नकारात्मक बनी है, आपके सितारों की नकारात्मकता जो बनी है, वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। और आपके दिमाग के अंदर भी सदविचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, और आपके चारों तरफ का वातावरण भी आपका साथ देगा और आपके साथ चलने की कोशिश करेगा और आपके साथ चलेगा भी वो। तो अगर आप कपूर के पानी से नहाते हैं, या कपूर की डली को अपने पानी में डाल के नहाते हैं, या कपूर के तेल गिला कर आपके पानी में नहाते हैं, तो आपका किस्मत अवश्य साथ देगी और आपके सितारे वापस बुलंदी पर अवश्य जाएंगे। तो एक छोटा सा आइडिया हमने आपको बताया है, और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी आइडिया को आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।